सभी का मैं हूं आपके साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सपा में शामिल हुए केशव मौर्य, बीजेपी और कांग्रेस का खेल होगा खत्म। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनने के चलते कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते बिगड़ गए, जिसका असर एमपी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में भी दिखने लगा है। एमपी चुनाव में कांग्रेस को करारा जवाब देने और अपनी राजनीतिक हैसियत बताने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पुराने साथी के साथ दोस्ती कर ली है। सपा ने एक बार फिर से महान दल के साथ हाथ मिला लिया और एमपी के साथ यूपी में भी 2024 के चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अखिलेश ने नए साथी के साथ 2024 के चुनाव के लिए रणनीति बनाने लगे हैं, जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल अखिलेश यादव ने बिगाड़ दिया है। वह कांग्रेस के रवैये से नाराज अखिलेश यादव ने 23 अक्टूबर को महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य से मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर रणनीति बनाई गई। महान दल और सपा अब एमपी में 78 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमपी की पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, मुरैना और सबलगढ़ सीट महान दल को मिली है, लेकिन इन चारों ही सीटों पर वो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी सीट पर सपा के उम्मीदवार हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में खासकर बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल बेल्ट में कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनी समाज के वोटर्स अच्छी खासी संख्या में हैं। सपा इसीलिए एमपी और यूपी में गठबंधन की रूपरेखा बनाई है। एमपी के इसी इलाके में यादव वोटर्स भी हैं, जिसे सपा अपना कोर वोट बैंक मानती आ रही है। यादव मौर्य वोट को अगर अखिलेश यादव और केशव देव मौर्य जोड़ने में सफल रहते हैं तो कई सीटों पर कांग्रेस का सियासी गणित गड़बड़ा सकता है। अब देखना है कि सपा यूपी और एमपी में कांग्रेस के साथ कैसा हिसाब रखती है।